नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः केपी कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के लिए वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो बीए तृतीय वर्ष में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान रखेगा, इसके अलावा आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के अंदर राजस्थान के लोक नृत्य के से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इस लोक नृत्य को पढ़ने से पहले मैं एक ऐसा मोटिवेशन कोड लेकर आपके लिए आ रहा हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। नाजनी निगाहों से न देख, नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में भी नहा कर आए हैं। नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में भी नहा कर आए हैं। हवा क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। हवा क्या खाक रोकेगी हमारा रास्ता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। तूफानों से टकरा कर आने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों को अगर मेरा मोटिवेशन कोड आपको अच्छा लगा है तो केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिएगा राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के में जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, क्षेत्रीय लोक नृत्य क्या है, जातीय लोक नृत्य क्या है, व्यवसाय लोक नृत्य क्या है, नृत्य कब कब किया जाता है, किसके द्वारा किया गया, किन त्योहारों के अवसर पर किया गया, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिएगा राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य की अगर बात करें, सबसे पहले परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्य से क्या तात्पर्य है। राजस्थान का लोक नृत्य एक ऐसा लोक नृत्य है कि न तो किसी नियम से बंधे होते हैं, न इस पर कोई मुद्रा निर्धारित होती है, न किसी अंगों का संचालन निश्चित होता है। ये नर्तक यानी डांस करने वाला, नृत्य करने वाला, इस नर्तक के लय ताल, नर्तक के लय ताल पद संचालन के द्वारा ये जो नृत्य किया जाता है इसे इतिहास में लोक नृत्य कहते हैं। नर्तक के उत्साह, लय, तीव्र गति और पद संचालन से जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं लोक नृत्य। अगर आप अपनी भाषा परीक्षा के अंदर आ जाए तो आप इस तरीके से उसकी परिभाषा जरूर लिखिएगा। देखो, दो नंबर में अपनी अहम भूमिका ये प्रश्न अदा करेगा। अपन बात करें राजस्थान के जो लोक नृत्य है वो सुविधा की दृष्टि से तीन भागों के अंदर डिवाइड किए गए हैं। यहां नाम लिखा हुआ है क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा है जातीय लोक नृत्य और तीसरा है व्यवसाय लोक नृत्य। इस बात को आप ध्यान रखना, राजस्थान के जो लोक नृत्य है सुविधा की दृष्टि से तीन भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और व्यवसाय लोक नृत्य। अगर बात करें तो जो हमारा जो ये जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है ये क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय लोक नृत्य क्या है, ठीक है, चलिए क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में हम बात करेंगे। चलो अब ठीक है, क्षेत्रीय लोक नृत्य ऐसे लोक नृत्य जो अपने एक क्षेत्र की पहचान बन गई उसको बोलते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर लोक नृत्य किए जाते हैं। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है,
ढूंढार क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर जो नृत्य किए गए, जो उस क्षेत्र की पहचान बन गई, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करें जैसे बम लोक नृत्य है, ये क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। सेकावटी का गीदड़ लोक नृत्य क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। अग्नि लोक नृत्य है क्षेत्रीय लोक नृत्य का आपका प्रश्न आ जाए कि तीन क्षेत्रीय लोक नृत्य के नाम बताओ, तो आप सीधा लिखेंगे गैर नृत्य, गीदड़ नृत्य, अग्नि नृत्य, ये क्षेत्रीय लोक नृत्य। अपन बात करें जातीय लोक नृत्य, देखो जातीय लोक नृत्य किसे कहते हैं, जो जाति विशेष के लोक नृत्य होते, विशेष जातियों के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उसको जातीय लोक नृत्य। इसमें अगर हम उदाहरण, जो इस जाति की पहचान बन गई, ये कौन से लोक नृत्य हैं, तो आप लिख सकते हैं जैसे भीलो के द्वारा जो लोक नृत्य किया जाए गौरी लोक नृत्य, ये परीक्षा में एसटीसी बीएड जो एग्जाम होते हैं छोटे मोटे एग्जाम, इसके अंदर ये प्रश्न जो अब देखो आज जो एक बार बी ए जो अपन बात करें कि थर्ड ग्रेड का एक एग्जाम हुआ था अगली साल, इसके अंदर पूछा गया था कि भीलो का लोक नृत्य कौन सा है, प्रसिद्ध लोक नृत्य गौरी लोक नृत्य, ये भी जाति लोक नृत्य के अंदर आएगा। एक ग्रासियों के द्वारा जो एक नृत्य किया जाता है वालम नृत्य, ये भी जातीय लोक नृत्य के अंदर आएगा। राई नृत्य भी जातीय लोक नृत्य के अंदर आएगा। सावन भादो नृत्य भी जातीय लोक नृत्य के अंतर्गत आएगा। तीसरी अगर हम बात करें कि व्यवसाय लोक नृत्य, एक ऐसा लोक नृत्य होता है व्यवसाय लोक नृत्य, इसमें दो नृत्य हैं, जैसे एक तीरताली लोक नृत्य उदाहरण की बात करें, दूसरा बात करें भवाई लोक नृत्य है, वो व्यवसाय लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। दो नंबर में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरीके से इस नृत्य के बारे में लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से लोक नृत्य है। अब हम बात करें क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन से हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए जो लोक नृत्य है, जो क्षेत्र की पहचान बन गई, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य। अब हम बात करेंगे गैर लोक नृत्य, ये क्या है। अगर उसके गैर, देखो राजस्थान में दो स्थान है बाड़मेर, राजस्थान के अंदर बाड़मेर और मेवाड़ जो क्षेत्र है, इस मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत गैर लोक नृत्य है, बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है बाड़मेर और मेवाड़ क्षेत्र में। ये जो गैर नृत्य है होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। कब होता है, होली के जब दूसरे दिन, जब होली हो गई उसके दूसरे दिन से ही गैर नृत्य प्रारंभ हो जाता है। कितने दूसरे दिन गैर नृत्य प्रारंभ होता है इनका क्षेत्र बात करें मेवाड़ और बाड़मेर जो क्षेत्र है, इसमें गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो ये नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। पुरुष लकड़ी की दो सरिया लेकर, जो वर्ताकार में जो पुरुषों के द्वारा लकड़ी की दो सरिया लेकर जो वर्ताकार रूप से जो नृत्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, गैर नृत्य। ये गैर नृत्य होली के दूसरे दिन प्रारंभ हो जाता है। ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढोल बाकिया और थाली नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में आए कि गैर लोक नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप देखेंगे ढोल बाकिया, ढोल बाकिया और थाली नामक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल बाकिया और थाली नामक होली के दूसरे दिन ही प्रारंभ हो जाता है ये नृत्य, और लगभग 15 दिनों तक चलता है ये नृत्य। लगभग कितने दिनों तक चलता है, होली के दूसरे दिन प्रारंभ है और 15 दिन तक ये नृत्य चलता है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा।
आप एक एक बिंदुओं को पहले लिखेंगे। परीक्षा के अंदर क्या होता है, कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर आता है, पहले आप अच्छी तरह से उसका परिचय दीजिएगा, फिर इसके बाद में जो मुख्य बिंदु है उनको ब्लैक पेन से अंकित करना होता है, और ब्लैक पेन से अंकित करने के बाद इसके बारे में दो से चार, जिस विद्यार्थी के ब्लैक पेन से मुख्य बिंदु अंकित किए हुए हैं उसके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। तो इतना जरूर ध्यान रखें, अगले नृत्य के बारे में अपन अध्ययन करें वो कौन सा नृत्य है। अब बात करें शेखावटी का गीदड़ नृत्य, ये क्या है। पहली बात तो हम बात करेंगे शेखावटी के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। राजस्थान के अंदर सीकर, चूरू और झुंझुनू नामक जो स्थान है वो शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस क्षेत्र में आता है, शेखावटी, शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे सीकर, चूरू और झुंझुनू। देखो यहाँ अगर हम थोड़ा अगर थोड़ी पूर्व की अगर कुछ बातें करें यहाँ के इतिहास के बारे में कई बार, तो ये सीकर नामक स्थान है जहां पर खाटू श्याम का मंदिर है। कहां पर है खाटू श्याम का मंदिर, कहां पर है ये प्रश्न परीक्षा के अंदर आ जाए तो सीकर के अंदर। एक राजस्थान के अंदर और भी कंपिटिशन एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सालासर बालाजी का मंदिर कहां पर है। सालासर, सालासर बालाजी का जो मंदिर है अपन थोड़ा इसमें, बालाजी का मंदिर कहां पर है जिसे मूसाला हनुमान जी के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के सुरू नामक स्थान पर है। सुरू एक ऐसा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जिला है राजस्थान के अंदर जिसमें बिल्कुल नदियां नहीं है। तो सुरू नामक एक जिला ऐसा है जिसमें नदियां नहीं है, ध्यान रखिए हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि मूसाला हनुमान जी का मंदिर कहां पर है, तो आप इस तरीके से उसको बताएं। शेखावटी के अंतर्गत शेखावटी के पुरुषों के द्वारा गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये जो गीदड़ नृत्य है होली के त्योहारों में प्रारंभ हो जाता है। कब होता है, जैसे होली पर क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और एक सप्ताह तक चलता है। क्या कितने, एक सप्ताह तक ये जो नृत्य है वो चलते हैं, जिसमें गांव के सभी लोग इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, सभी लोग। और ये जो नृत्य है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गांव के सभी लोग हैं वो इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं। और इस नृत्य की अगर हम बात करें तो जो ये नृत्य है, जब होली के समय डांडा रोकने के बाद ये जो डांडा रोकने के बाद ये नृत्य क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है होली के डांडा रोकने के बाद। ये नृत्य कैसे करते हैं पुरुष, वर्ताकार रूप से करते हैं। भाई देखो ये भी नृत्य कैसे करते हैं, होली से प्रारंभ हो जाता है, एक सप्ताह तक चलता है, वर्ताकार रूप से ये नृत्य किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, पुरुष अपने दोनों हाथ में डांडा लेकर, डांडिया नहीं होता, डांडिया वो लेकर और पद संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ध्यान रखें शेखावटी का गीदड़ नृत्य। शेखावटी में पुरुषों के द्वारा गीदड़ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये होली में प्रारंभ हो जाता है, एक सप्ताह तक चलता है। होली में जब डांडा रोकने के बाद में ये नृत्य प्रारंभ हो जाता है। ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गांव के संपूर्ण लोग उसमें, सभी लोग इस नृत्य के अंदर भाग लेते हैं, इस शेखावटी के गीदड़ नृत्य के अंतर्गत। इसमें पुरुषों के द्वारा दो डंडे डांडिया लिए जाते हैं, डांडिया को टकराते हुए पद संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये नृत्य वर्ताकार रूप से किए जाते हैं। आइए शेखावटी, और आपको यह नृत्य है शेखावटी में सीकर, झुंझुनू और सुरु नामक स्थान से किए जाते हैं। चलिएगा अगले बिंदु की अगर हम बात करें, अगला बिंदु हम देखेंगे, हे दरिया तेरा बूंद पर भी एहसान नहीं है हम पर, हे दरिया
तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सिरा छीन के पानी पिया है, और पहाड़ों का सिरा सिर के पानी पीने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः गिपी कॉलेज में आपका स्वागत है। चलिएगा शेखावटी का संग नृत्य, ये जो नृत्य है ये भी शेखावटी में किया जाता है। इसमें किया जाता है शेखावटी, और शेखावटी का जो चित्र के अंदर जिले आकर मैंने आपको अगला बिंदु में सुर झुंझुनू झुंझुनू और सीकर इन स्थानों पर ये संघ नृत्य, ये जो संघ नृत्य है ये भी होली के त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। होली के त्योहारों पर ये इसका जो वाद्य यंत्र की जो शेखावटी के वाद्य यंत्र ढोल के थप्पे और संघ यही याद रखना बहुत इंपोर्टेंट है, ये हमने आप थोड़ा रह गया था। उस शेखावटी में कौन कौन सी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो याद रखेंगे ढोल डप और संघ आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। दो नंबर में अगर प्रश्न आ जाए इस तरीका का तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिएगा अगले बिंदु पर अपन बात करेंगे शेखावटी का संघ नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर संघ नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये जो नृत्य है सुरु झुंझुनू सीकर नामक क्षेत्रों में किया जाता है। इस नृत्य में मनुष्य प्रत्येक मनुष्य यहां पर मैं पुरुष नहीं मनुष्य प्रत्येक मनुष्य के पास में एक संघ होता है। क्या होता है? संघ होता है, और संघ बजाते हुए वक्ता का रूप से ये नृत्य किया जाता है। देखो पुरुष क्या करते हैं, संघ बजाते हुए जाते गोल घेरे के अंदर नृत्य करते हैं। संघ बजाते हैं और गोल घेरे में नृत्य करते हुए ले और ताल के साथ नृत्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं संघ नृत्य। आपका प्रश्न अगर कोई भी कंपिटिशन का एग्जाम हो इसमें पूछा जाता है कि संघ जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का है तो आपको लिखना है शेखावटी क्षेत्र में। संघ नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो संघ। ये नृत्य कौन से त्योहारों के अवसर पर किया जाता है, होली के त्योहारों के अवसर पर किया जाता है तो ये ध्यान रखना है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। चलिए हम अगले बिंदु की ओर बात करें। नृत्य किस रूप में किया जाता है, वक्ता का रूप में। प्रत्येक मनुष्य के पास में क्या होता है, संघ होता है। ये नृत्य सुरु झुंझुनू और सीकर नाम क्षेत्रों में किया जाता है। चलिएगा अगर हम दूसरे बात करें तो डांडिया नृत्य, मारवाड़ का डांडिया नृत्य, यहां थोड़ा रह गया है गलत हो गया, मारवाड़ का डांडिया नृत्य इसकी बात करें। मारवाड़ का, मारवाड़ के डांडिया नृत्य की, मारवाड़ का जो डांडिया नृत्य है वो बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अंदर क्या किया जाता है, कई पुरुषों के द्वारा जैसे 20 से 25 पुरुषों की एक बड़ी टोली बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बड़ी टोली बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। और बड़ी टोली बनाकर ये नृत्य 20 से 25 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो नृत्य है वो होली के बाद प्रारंभ हो जाता है। किसके बाद प्रारंभ आ जाता है, होली के द्वारा, होली के बाद प्रारंभ हो जाता है। इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा क्या है, इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा दो डंडे लेकर, दो डंडे देखो ध्यान रखना, दो डंडे लेकर आपस में टकराते हुए वर्ताकार रूप से आगे बढ़ते हैं। वर्ताकार रूप से ये नृत्य किया जाता है, और ये जो नृत्य है होली के बाद प्रारंभ हो जाता है। और इस नृत्य का जो वाद्य यंत्र है वो डांडिया नृत्य है। मारवाड़ के डांडिया नृत्य में के अंतर्गत ये लोग जो नृत्य करते हुए उत्साहित रूप से प्रसन्न होकर धमाल गीत और होली के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं, धमाल गीत और होली के गीत गाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो होली के दिन मारवाड़ में डांडिया नृत्य बड़ा प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में 20 से 25 पुरुषों की टोलियों के द्वारा ये नृत्य
सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा दो छड़ियां ली जाती हैं और आपस में टकराते हुए वर्ताकार रूप से आगे बढ़ते हैं। इस नृत्य में उत्साह बढ़ाने के लिए पुरुषों के द्वारा धमाल गीत एवं होली गीत गाए जाते हैं ताकि उनका उत्साह बढ़ सके। तो ये ध्यान रखना है कि मारवाड़ का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। उसका वाद्य यंत्र कौन सा है, डांडिया है। और इस ये जो नृत्य इस त्यौहार पर किया जाता है, होली के बाद ये त्यौहार प्रारंभ ये हो जाता है, डांडिया नृत्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें धमाल और होली के गीत गाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इस तरीके से याद कीजिएगा। हम सीधा अपने जागोर की ओर बढ़ते हैं बिना समय गवाए। जो हमारा जागोर शब्द है वो जाल प्लस लोर से बना है। जाल का अर्थ होता है एक पेड़ और लोर का अर्थ होता है सीमा। जाल के लोर की सीमा पर जो जिला स्थित है उसे जालोर कहते हैं। जालोर को प्राचीन समय में जावालीपुर कहते हैं और उसको अभी वर्तमान में जालोर कहते हैं। चलिएगा, जालोर में ढोल नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य है विवाह के अवसर पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर माली, ये जातियां होती है माली, माली, डोली, सरगरा और बीर जातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों में 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं। इसमें वाद्य यंत्र की बात करें तो 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं। राजस्थान के अंतर्गत जालोर का ढोल नृत्य बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विवाह एवं कुछ मांगलिक अवसरों पर माली, डोली, सरगरा और बीर समाज के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के अंतर्गत 4 से 5 ढोल बजाए जाते हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। ये प्रश्न परीक्षा में भी कई बार आया है, ढोल नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जालोर का। इसमें कितने ढोल बजाए जाते हैं, 4 से 5 ढोल। किन किन जातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो आप देखिए माली, ढोली, सरगरा और भील जातियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो आप इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। चलिएगा हम अगले बिंदु की बात करें। चलिएगा, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है, जस नाथ सिद्धों द्वारा बीकानेर के अंदर जो अग्नि नृत्य किया जाता है, जस नाथ सिद्धों के द्वारा सेकावटी क्षेत्र के अंतर्गत, कौन से क्षेत्र में, सेकावटी क्षेत्र के अंतर्गत भी जस नाथ सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। जस नाथी जो सिद्ध लोग होते हैं रात्रि में, रात्रि जागरण के समय में अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब, रात्रि में जागरण किया जाता है, भजन वगैरह होते हैं, जागरण वगैरह होते हैं, उसमें अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। ये जो नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ये नृत्य करने से पहले बहुत सारी लकड़ियों को, ये लकड़ियां होती है कई मन लकड़ियां, ये ध्यान रखना, लकड़ी, कई मन लकड़ियों को, कई मन, बहुत सारी कई मन लकड़ियों को जलाया जाता है। क्या कहा है, जलाया जाता है, जलाया जाता है, कई मन लकड़ियों को जलाया जाता है। इसके बाद में ये नृत्य प्रारंभ होता है। ये जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य करने वाला जो नर्तक होता है वो इस जलाए हुए अंगारों के अंदर प्रवेश करता है। क्या करता है, प्रवेश करता है, क्या करता है, प्रवेश करता है जलाए हुए अंगारों के अंदर, क्या करता है, नर्तक के द्वारा प्रवेश। ये प्रवेश करते हुए इन शब्दों को संबोधित, फतेह, फतेह करते हुए ये शब्द को संबोधित करते हुए इस अग्नि नृत्य के अंदर अग्नि में प्रवेश किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जस्ता की सिद्धों के
पुरुषों के द्वारा रात्रि में जागरण के समय में अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को करने से पूर्व कई मन लकड़ियों को जलाया जाता है, उसके अंगारे बनाए जाते हैं उसकी, और इस अंगे ये नृत्य करने वाला जो पुरुष होता है इस अंगारों के अंदर फतेह फतेह करते हुए प्रवेश करता है। अग्नि नृत्य के अनुसार जो नर्तक होता है कौन सा शब्द संबोधित करते हुए इस अंगारे में प्रवेश करता है फतेह फतेह, ये ध्यान रखना है। दो नंबर में अगर आपका प्रश्न आता है तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखियो। नर्तक ये चलिए ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम अगले बिंदु की बात करें बिना समय गवाए, अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो अगला बिंदु है अलवर और भरतपुर का बंब नृत्य। अलवर और भरतपुर क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य की अगर बात करें तो वो है बंब नृत्य। कौन सा नृत्य है बंब नृत्य, ध्यान रखिए बंब नृत्य। अलवर भरतपुर का जो नृत्य है वो क्या कौन सा नृत्य है बंब नृत्य। इस नृत्य में एक बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है, बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। कौन से बड़े नगाड़े का प्रयोग किया जाता है? इस नगाड़े को दो लंबे डंडे लेकर बराबर अवस्था में दो लंबे डंडे लेकर पुरुषों एक पुरुष के द्वारा उसको जोर शोर से बजाया जाता है, डंडा लेकर जोर जोर से उसको बजाया जाता है, उसको बोलते हैं बंब। भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुरुषों के द्वारा दो बराबर डंडे लेकर जोर जोर से नगाड़े को बजाया जाता है, उसको बोलते हैं बंब नृत्य। इस बंब नृत्य के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाए तो ये जो बड़ा नगाड़ा इसका वाद्य यंत्र है, सीमटा का प्रयोग किया जाता है बंब नृत्य में, ढोलक का प्रयोग किया जाता है और थाली का प्रयोग किया जाता है बंब नृत्य के अंदर। ये जो बड़ा नगाड़ा है ये सोपाल पर बजाया जाता है, सोपाल मारवाड़ी में कहता छोटा माते का करण छोटा माते इसको बजाया जाता है, मारवाड़ी के छोटा माते बड़ा बड़ा बड़े एक साथ डंडे लेकर उसको बजाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे तो सोपाल पर ये बजाया जाता है। ये जो भरतपुर क्षेत्र में कब ये नृत्य किया जाता है, एक तो फाल्गुन महीना आता है इसमें होली वगैरह तरह फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। दूसरा अगर बात करें अपन कि जब कोई भी फसल अच्छी हो जाती है तो फसल अच्छी होने की खुशी में लोगों के द्वारा एक नगाड़ा बजाया जाता है जोर जोर से, यानी कब बजाए तो फाल्गुन माह में फसल आने की खुशी में यह नगाड़े बजाए जाते हैं। नगाड़े के साथ में बड़ा नगाड़ा सिमटा और ढोलक और थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि बंब नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बड़ा नगाड़ा सीमटा ढोलक और थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बंब नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, भरतपुर क्षेत्र में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बंब नृत्य भरतपुर और अलवर क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य के अंतर्गत पुरुषों के द्वारा एक बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है, ये नगाड़ा सोपाल पर बजाया जाता है, ये फाल्गुन माह और फसल आने की खुशी में ये नगाड़ा बजाया जाता है। इस नगाड़े के अंतर्गत ढोलक है, बड़ा नगाड़ा है, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले बिंदु की बात करें घूमर लोक नृत्य, कौन सा नृत्य है घूमर से आपने नारो देखा राजस्थान में कि घूमर रमवा नेचारे जैसे अपने बाजीसा के को प्रसन्न करने के महिलाओं के द्वारा लच्छा हाथों का लचकदार संसाधन के द्वारा जो नृत्य किया जाता है घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, वो है घूमर लोक नृत्य है, वो राजस्थान का बड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो घूमर लोक नृत्य है वो मांगलिक अवसरों पर
और बड़े बड़े त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। जैसे कहीं घर में शादी विधि है, किसी घर में शादी वगैरह हुआ करती है, या बड़े बड़े पर्व और उत्सव होते हैं, उस समय महिलाओं के द्वारा घूमर लोक नृत्य किया जाता है। इस ये लोक नृत्य में जो महिला होती है वो गोल गोल घूमते हुए, जो महिला होती है गोल गोल घूमते हुए हाथों का जो लचकदार जो संचालन होता है बड़ा आकर्षक होता है भाई, बड़ा आकर्षक। महिला जो गोल गोल घूमती है और उसका हाथ का जो लचकदार जो संचालन होता है बड़ा आकर्षक होता है, देखने लायक होता है। महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में जो इस नृत्य के साथ कौन कौन से वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है, ढोल है, नगाड़ा है और शहनाई नामक वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। ढोल को भी बजाया जाता है। देखिए घूमर रंगवा नहीं जाते इस तरीके से जो गाड़ा होता है, महिला बड़ी बड़ी गोल गोल घूमती और हाथों का लचकदार संचालन हमें भी बहुत अच्छा लगता है। शादी वगैरह में जाते हैं तो वगैरह देखना, ये ढोल है, नगाड़ा है और सहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है और ये मांगलिक अवसरों के ऊपर किया जाता है। तो ये इस बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो आप सीधा बिना समय गवाए सीधा आप देखिए घूमर, दो नंबर आपकी परीक्षा में वैसे ही आ जाएंगे। चलिएगा अगले बिंदु की अपन बात करें बिना समय गवाए। तो अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा। चलिएगा अब हम सीधा जातीय लोक नृत्य की ओर बढ़ते हैं। और जातीय लोक नृत्य हमारे कौन से थे, जातीय लोक नृत्य के अंदर मैंने बताया जो जाति विशेष के लोक नृत्य होते हैं वो जातीय लोक नृत्य, भीलों के लोक नृत्य बात करें, भीलों के लोक नृत्य। राजस्थान के जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है दक्षिणी, देखो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे उदयपुर है, राजस्थान के दक्षिणी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ नामक क्षेत्र में कई प्रकार की वीर बस्तियां रहती हैं। क्या बोलते हैं, बस्तियां, वीर बस्तियां रहती हैं, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है। ठीक है, देखो ये जो भीलों का लोक नृत्य है इसमें स्त्री पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। पुरुषों व महिला दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से ये नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी बस्तियां हैं वह भीलों के लोक नृत्य किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये जो नृत्य है वो भीलों का लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा, एक तो है बालव, कौन सा नृत्य है, देखो भाई बालव लोक नृत्य ये भीलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये जो लोक नृत्य है वो अर्धवर्त में किया जाता है, आधे वर्त के अंदर महिला होती है और आधे वर्त के अंदर पुरुष होते हैं। भीलों का लोक नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है, आधे अर्धवर्त में महिला होती है और आधे अर्धवर्त में पुरुष होते हैं। भीलों का लोक नृत्य महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य के अंदर पुरुष और महिला एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते हैं और पद संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लोक नृत्य है कि पुरुष जो भील पुरुष महिला बहन कंधा माथे हाथ आगे तो वो नृत्य करें, कंधा माथे हाथ आगे तो भीलों का लोक नृत्य। और भीलों के लोक नृत्य और भी कौन कौन से भीलों का, देखो बालक नृत्य है, राई नृत्य है, ये भी भीलों के लोक नृत्य में आता है। सावन भादो लोक नृत्य है, सावन सावन के झूलों ने हमको पुकारा, सावन भादो लोक नृत्य है, लोक नृत्य है सावन भादो, युद्ध लोक नृत्य है, ये भी भीलों का नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है, घूमर रंगवा नहीं चाली घूमर लोक नृत्य है, ये भी भीलों का लोक नृत्य है। ध्यान रखियो, देखो भीलों के लोक नृत्य कौन कौन से है, सावन भादो लोक नृत्य, युद्ध लोक नृत्य, घूमर लोक नृत्य, सावन भादो लोक नृत्य
और दूसरा गवरी, सॉरी बालर नहीं है ये, बालर जो लोग करते हैं वो गास्यो का है, सॉरी मेरे से मिस्ट हो गई, निस्वरा होड़ा, इसमें गवरी लोग करते हैं। क्या है? गवरी। गवरी लोग करते हैं, राई लोग करते हैं, घुमर लोग करते हैं, सावन भादो लोग करते हैं, आदि खिलो के लोग करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जो आदि जो क्षेत्र है वहां पर कई प्रकार की भील बस्तियां रहती हैं। इन बस्तियों द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो भीलों के लोक नृत्य कहलाते हैं। भीलों के लोक नृत्य में स्त्रियां और पुरुष समान रूप से भाग लेती हैं। ये जो नृत्य है अर्धवर्त में किया जाता है, आधे वर्त में पुरुष होते हैं और आधे वर्त में महिला होती है, जिसमें पुरुष और महिलाओं के द्वारा कंधे पर हाथ रख के पद का संचालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जानना। भीलों के लोक नृत्य की बात करें तो उसमें गवरी लोक नृत्य है, राय लोक नृत्य है, सावन भादो लोक नृत्य है, युद्ध लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य आदि प्रसिद्ध नृत्य भीलों के लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। हम सीधा समय गवाए ग्रासिया लोक नृत्य की ओर पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ग्रासिया, ग्राया कहते रहता है ग्रासिया, सॉरी ग्रासिया जनजाति है, ये कहाँ रहती थी तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे आपसे। चलेगा ग्रासिया जनजाति ये कहाँ रहती थी, पहले तो ये ध्यान रखियो आप। जो ये ग्रासिया जनजाति है, देखो भील, ग्रासिया, मीणा ये जनजातियां है, ये कहाँ रहती थी तो अपन बात करें, ये पहले तो सिरोही जिले की पहाड़ियों में ये ग्रासिया जनजाति निवास करती थी। सिरोही जिले में, कहां पर? सिरोही जिले की पहाड़ियों के अंदर एक जाति रहती है जिसका नाम है ग्रासिया। क्या नाम है? ग्रासिया। इन ग्रासिया जातियों का एक नृत्य है जिसका नाम है बालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? बालर। ये एक ऐसा नृत्य है, लोक नृत्य है, जिसमें किसी जाति नृत्य है, इसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। आपका प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा नृत्य है ग्रासियों का जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप सीधा लिखेंगे बालर लोक नृत्य है, वो उसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग है। ये जो लोक नृत्य है वो अर्धवर्त में किया जाता है। किसमें किया जाता है? अर्धवर्त में लोक नृत्य किया जाता है। आधे वर्त के अंदर पुरुष, आधे वर्त में पुरुष और आधे वर्त में महिला होती है, महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। आधे आधे वर्त में पुरुष और आधे अर्ध वर्त में महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है पद संचालन करते हुए। राजस्थान के सिरोही की पहाड़ियों के अंदर एक जाति रहती है ग्रासिया जाति। ग्रासिया जाति द्वारा वालर लोक नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य के अंदर किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये ऐसा नृत्य है जो अर्धवर्त में किया जाता है, आधे वर्त के अंदर पुरुष और आधे वर्त के अंदर महिला होती है। इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉपी में जरूर अपने अच्छी तरह से नोट करना है आपको। वालर ग्रासियों सिरोही जाति में, सिरोही क्षेत्र में रहती थी, और तो आपको ध्यान रखना है इसके नृत्य का नाम बालर नृत्य है। चलिएगा अब हम बात करें तो घुमंती जातियों के लोग नृत्य। घुमंती जातियां कौन सी थी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान अपना स्थान परिवर्तन करने वाली जो प्राचीन समय में जो जातियां हुआ करती थी उसको घुमंती जातियां कहते थे। वो एक जगह पर नहीं ठहरते थे, अलग अलग स्थानों पर जाते रहते थे। तो इन घुमंती जातियों में साक्षी जाति, कागरेलिया जाति, ग्वालियर भाग और बंजारा जाति आदि थी। राजस्थान के अंदर घुमंती जातियों के लोक नृत्य भी प्रसिद्ध है, जैसे साक्षी जातियों के लोक नृत्य, कालवेलिया जातियों के लोक नृत्य, ग्वालिया लोहार जातियों के लोक नृत्य और बंजारा जातियों के लोक नृत्य भी बड़े प्रसिद्ध है। घुमंतू जातियों के लोक नृत्य के अंतर्गत ये नृत्य आते थे। आपका प्रश्न दो नंबर में अगर आ जाए कि घुमंतू जातियां कौन कौन सी हैं, उसके नाम लिखिए, तो आपके साक्षी, कालवेलिया,
ग्वालिया लोहार और बंजारा जाति है वो घुमंतू जातियां हैं। व्यवसाय लोक नृत्य कैसे हैं आप इसके बारे में पढ़ेंगे, व्यवसाय लोक नृत्य कौन से थे। तो उसमें व्यवसाय लोक नृत्य में दो नृत्य, एक तो भवाई नृत्य है और दूसरा, और ये भवाई नृत्य है ये गुजरात आसपास के क्षेत्रों में ये नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य व्यवसाय नृत्य में आता है। इसके जो जन्मदाता थे वो बालाजी थे, क्या बालाजी भवाई लोक नृत्य के जन्मदाता कौन थे, बालाजी थे। उसके स्थान की बात करें वो गुजरात नामक स्थान है। भवाई लोक नृत्य एक व्यवसाय लोक नृत्य है, इसमें शारीरिक संचालन अंकों का संचालन करते हुए इस नृत्य किया जाता है। अब हम सीधा बात करें तेर ताली नृत्य, इसकी बात करें तेर ताली नृत्य है वो कामर जाति के द्वारा किया जाता है। कामर जाति के जो भोपे होते हैं वो बड़े रामदेव जी के बड़े भक्त हुए करते हैं, रामदेव जी की ईशो गाथा सुनाते हैं लोगों को, रामदेव जी की का भजन गायन आदि किया करते हैं। ये कामर जाति के वो कामर जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें जो कामर जाति के जो भूपे के द्वारा रामदेव जी की ईशो गाथा गाई जाती है, ईशो गाथा गाथाएं गाई जाती है, ईशो गाथाएं गाई जाती है, रामदेव जी की भजन गाए जाते हैं, रामदेव जी को खुद खुश करने के लिए रामदेव जी के भजन गाए ताकि रामदेव जी खुश हो जाए। देखो भजन गाए इन कामर जाति की महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको बोलते हैं तेर ताली। ये केवल कामर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कामर जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और उसमें पुरुष है मंजीरा तानपुर सोतारा बजाते हैं। उसके बाद ही इंद्र की बात करें, वाद्य इंद्र कौन से तेर ताली नृत्य के वाद्य इंद्र कौन थे, सोतारा तंबूरा और मंजीरा। मंजीरा नामक वाद्य इंद्रों का प्रयोग तेर ताली नृत्य के अंदर ये सोतारा मंजीरा और तंबूरा पुरुषों के द्वारा किया जाता है और महिलाओं के द्वारा तेर ताली नृत्य किया जाता है। ये ध्यान रखा कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है, कामर जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुषों के द्वारा 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। कितने आपका प्रश्न आ जाए, तेर ताली नृत्य के अंदर कितने मंजीरे बजाए जाते हैं, कई बार प्रश्न दो नंबर में आया है 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। हमने आपको राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताया कि लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, लोक नृत्य किसे कहते हैं, जातीय लोक नृत्य किसे कहते हैं, व्यवसाय लोक नृत्य किसे कहते हैं और क्षेत्रीय लोक नृत्य किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न परीक्षा में आए तो आप इस तरीके से इसको लिखिएगा तो आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। हम अगले वीडियो में आपके साथ में मिलेंगे बहुत जल्द कल। इसके लिए हमारे दूसरे वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा। इस बार अपना पक्का वादा है ये एनपीसी आपकी हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए जरूर तैयार रहेगा। धन्यवाद। आप